नमस्कार दोस्तों, वेलकम एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात करें पीटीटी 2020 के आवेदन की अधिसूचना जारी कर दी गई है और 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड और 2 वर्षीय पीटीटी की अधिसूचना 15 जनवरी 2020 को जारी की गई है। और प्री टीचर एजुकेशन के लिए पात्रता है, पीटीटी के लिए पात्रता है कि ग्रेजुएशन के बाद स्नातक और स्नातकोत्तर के बाद जो उत्तीर्ण है, जो राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में समतुल्य मानी गई है। पीटीटी 2020 की वेबसाइट में उपलब्ध दिशा निर्देशिका में उल्लेखित प्रवेश अर्हता को पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र है। स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 50% और अनुसूचित एससी एसटी ओबीसी एसबीसी के दिव्यांग और विधवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। 4 वर्षीय प्री बीएड बीएससी बीएड टेस्ट के लिए 10+2 में सामान्य वर्ग सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कम से कम 50% और एससी एसटी ओबीसी और पिछड़ा और तलाकशुदा और विधवा के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। दोनों परीक्षाओं हेतु वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक भी अंक स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को निरस्त करवाने का पर्याप्त कारण होगा। अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या, 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 जनवरी 2020 से 2 मार्च 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं परीक्षा शुल्क के साथ। और 2 वर्षीय बीएड पीटीटी 2020 23 जनवरी 2020 से 6 मार्च 2020 तक आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद में प्रवेश परीक्षा 10 मई 2020 को ली जाएगी। आरक्षण राजस्थान राज्य के अनुसूचित एससी एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं को विकलांग सैनिकों एवं के आश्रित तलाकशुदा विधवा महिलाओं का शहरी क्षेत्र के निवासियों को राज्य सरकार के नियमानुसार सीटों में आरक्षण उपलब्ध होगा। विस्तृत दिशा निर्देश अन्य सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन करने से पूर्व उनका गहन अध्ययन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र बनने की प्रक्रिया विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट www.pttdcb.2020.com एवं www.pttdcb.2020.org पर उपलब्ध होगी। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से लिए जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थी साइबर कैफे और स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भर सकेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र बनने से पूर्व वेबसाइट उपलब्ध दिशा निर्देश की भलीभांति पढ़ लेवे। हाथ से भरे गए आवेदन पत्र किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी का परीक्षा शुल्क ₹500 का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा ई मित्र से कर सकेंगे। सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान नगद करना चाहते हैं तो वो फॉर्म भरने के बाद प्राप्त पेमेंट इनवाइस के माध्यम से ई मित्र की किसी भी शाखा में नगद जमा करवा सकेंगे। ई मित्र के किसी भी काउंटर में शुल्क जमा करवाने के अगले ही दिन अपने आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन भुगतान तथा चालान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा कराने की पश्चात भी यदि आवेदन पत्र प्रिंट नहीं निकलता है तो निर्धारित अवधि में कार्यालय में दूरभाष पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एजुकेशन संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लेवे, जिससे जो भी सूचना आप तक मिल सके।